तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आर्ट सेंटर रोसड़ा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं विषय भूगोल पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। विषय भूगोल का यह हमारा प्रथम वीडियो है, इसलिए इस प्रथम वीडियो में मैं आपको बता दूं कि भूगोल का मैं सर्वप्रथम भाग अ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, यानी कि पहला किताब भूगोल का पहला किताब पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। पहला किताब का शीर्षक क्या है तो मानव भूगोल के सिद्धांत, ठीक है। यानी कि भूगोल का पहला किताब का क्या नाम है, मानव भूगोल के सिद्धांत। इस किताब का आपका प्रथम अध्याय, इस प्रथम अध्याय यानी कि इस किताब में आपका पहला अध्याय है, और इस पहले अध्याय का शीर्षक क्या है तो इस पहले अध्याय का शीर्षक है मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या, तो मानव भूगोल का क्या, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। यानी कि पहले अध्याय में हम मानव भूगोल का क्या पढ़ेंगे तो प्रकृति देखेंगे और इसका विषय क्षेत्र देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सके। और इस वीडियो का लेक्चर पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को ओपन करें और इसे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करें। यहां पर नंबरिंग भी दिया गया है आपका भूगोल का, यह पहला वीडियो है। तो पहला वीडियो किसका है, तो प्रथम अध्याय का है, यह मेरा पहला वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले अध्याय पढ़ाने से पहले मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि भूगोल क्या है, ठीक है। तो भूगोल देख लेते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस पॉइंट को समझेंगे, आंतरिक संरचना और बाहरी स्वरूप तथा वायुमंडल आदि का अध्ययन है, ठीक है। अब मान लीजिए यह हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी का सर्वप्रथम क्या, आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर जो भी मेरा संरचना, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर जो भी मिट्टी है, चट्टान है, तो आंतरिक, जब इसका अंदर का जब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो अंदर का अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे, यानी ये जो पार्ट है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पार्ट मेरा क्या हो गया, तो आंतरिक संरचना, ठीक है। अब इसके ऊपर में ऊपरी सतह पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो रहते हैं तो ऊपर में मेरा क्या है, तो ऊपर में मेरा डॉट डॉट करके इस प्रकार कुछ वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है। तो पृथ्वी का आंतरिक तो हम अध्ययन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो मेरा यह बाहरी, ठीक है, बाहरी संरचना है जिसमें वायुमंडल आता है, तो वायुमंडल के साथ साथ जो हम अध्ययन करेंगे वो सारा अध्ययन मेरा क्या कहलाएगा, वो सारा अध्ययन ही मेरा कहलाएगा भूगोल, ठीक है। तो इसलिए आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी का अंदर का संरचना का अध्ययन करेंगे, साथ ही जो बाहर का संरचना है जहाँ तक आपका वायुमंडल है, ठीक है, नोट करिएगा, जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ तक जब हम अध्ययन करेंगे वह अध्ययन ही मेरा क्या कहलाएगा, वह भूगोल कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि भूगोल शब्द आखिर कैसे बना है। तो भूगोल जो शब्द है वह भू और गोल दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। अब आप भी जानते हैं कि भूगोल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भूगोल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी कैसे बना है, तो ज्योग्राफी जो शब्द है वह ग्रीक शब्द है, ठीक है, वह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। तो पहला ग्रीक शब्द क्या है, वह है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब होता है भू, भू मतलब कि पृथ्वी, ठीक है। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब भू, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना या वर्णन करना, ठीक है, अध्ययन करना या वर्णन करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है भूगोल का क्षेत्र। अब हम देखेंगे कि आखिर भूगोल को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों भूगोल को मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में बांटा गया है, पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानवीय भूगोल, या कहिए मानव भूगोल। मानवीय भूगोल और मानव भूगोल दोनों एक ही है, ठीक है। अब भौतिक भूगोल क्या है, तो भौतिक भूगोल का तात्पर्य है कि जितना भी आपका प्राकृतिक है या भौतिक लक्षण है, तो भौतिक लक्षण जब भी होगा तो प्राकृतिक मेरा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जितना भी प्राकृतिक या भौतिक लक्षण है, जब हम इस भौतिक लक्षण का अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाएगा, तो
प्राकृतिक भूगोल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो सारा प्राकृतिक करेंगे। तो प्राकृतिक में क्या क्या आता है, तो पर्वत आता है, पठार आता है, नदियाँ आता है, वनस्पति आता है, मिट्टी आता है इत्यादि, ठीक है। तो भौतिक भूगोल कौन सा भूगोल है, तो भौतिक भूगोल वह भूगोल है जिसके अंतर्गत हम सिर्फ प्राकृतिक या भौतिक लक्षणों का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्या, मानव भूगोल। अब जैसे लग गया मानव, तो समझ जाइए इस भूगोल में, इस प्राकृतिक में कौन जुड़ा हुआ है, तो मानव जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मानव का मतलब ही होता है कि जब इस प्राकृतिक में जब हम मानव को जोड़ देंगे तो वही मेरा बन जाएगा मानव भूगोल। तो जाहिर सी बात है कि मानव भूगोल वह भूगोल होगा कि जिसमें प्राकृतिक के साथ साथ हमें कौन सा लक्षण देखने को मिले, तो मानव का लक्षण देखने को मिले। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र के मानव, ठीक है, निर्मित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मानव भूगोल कहते हैं। यह लक्षण मानवीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, जैसे कृषि हो गया, गांव हो गया, कारखाने हो गया, सड़कें हो गया इत्यादि, ठीक है। अब नेक्स्ट है मानव भूगोल। मानव भूगोल का कौन सा, तो प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। अब हम इस पार्ट में मानव भूगोल को ही ज़्यादातर देखेंगे, भौतिक भूगोल को हम नहीं देखेंगे। इसलिए मानव भूगोल का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, आपको दो नंबर में एग्जाम में आएगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो इससे बेहतर हम परिभाषा यहाँ दिए हुए हैं, तो यहाँ आपको हम दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको उत्तर क्या लिखना है, यदि दो नंबर में पूछा जाएगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो आप लोग को बिहार बोर्ड में दो नंबर का उत्तर इस प्रकार देना है कि जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मानव वातावरण से पूर्णता स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप भी देखिए, आप जो रह रहे हैं तो आप वातावरण से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। जैसे सांस लेना, तो सांस कैसे आप लोग लेते हैं, तो वायु के माध्यम से, और वायु मेरा क्या है, तो प्राकृतिक है, ठीक है। मतलब मानव जो है वो हर कीमत पर प्रकृति के बिना नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए मानव अपने वातावरण से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मानव एवं वातावरण दोनों का संबंध क्या है, तो पारस्परिक अटूट है, मतलब कि गहरा है, ठीक है। और इन्हीं संबंधों का अध्ययन विशेष रूप से क्या कहलाता है, तो विशेष रूप से मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। इसमें वातावरण जो है, तो वातावरण भी जो आपका आता है वो सारा का सारा प्राकृतिक के ही अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। तो मानव भूगोल का उत्तर किस प्रकार लिखिएगा, तो मानव भूगोल का उत्तर किस प्रकार लिखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं मानव अपने वातावरण से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मानव एवं वातावरण दोनों का संबंध पारस्परिक क्या है, तो अटूट है। इन्हीं संबंधों का अध्ययन विशेष रूप से क्या कहलाता है, तो मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। अब मानव भूगोल का जो परिभाषा है, अब हम क्या देखेंगे कि मानव भूगोल का व्याख्या देखेंगे, सॉरी परिभाषा नहीं व्याख्या, ठीक है। तो मानव भूगोल का जो व्याख्या है वह भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है, ठीक है, जो कि निम्नलिखित है, मतलब कि नीचे लिखित है। अब मानव भूगोल के बारे में जो है भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न अपना तर्क दिया है, ठीक है। तर्क जो भी तर्क दिया है उनमें प्रकृति और मानव ये दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। जितना भी विद्वान है, तो जो भी तर्क दिया, मानव और प्रकृति दोनों तो जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो हल्का सा भिन्नता देखने को आपको मिलेगा, आप उन्हीं बातों को आपको क्या करना है, तो उन्हीं बातों को आपको देखना है। तो सर्वप्रथम जो आपका जर्मन का भूगोल शास्त्री था, कौन, तो फ्रेडरिक रेटजेल। आपको इस नाम को रट ही लेना है, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार, फ्रेडरिक रेटजेल क्या बोलते हैं, मानव भूगोल के दृश्य स्वरूपतः वातावरण से संबंधित होते हैं, यानी प्राकृतिक से क्या होते हैं, तो संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का क्या होता है, योग होता है, मतलब कि जोड़ होता है, ठीक है। अब रेटजेल का ही जो शिष्या है, रेटजेल की शिष्या कौन है, तो रेटजेल की शिष्या है कुमारी सेम्पल। अब कुमारी सेम्पल का क्या कहना है, तो कुमारी सेम्पल का कहना है, यानी कि कुमारी सेम्पल ने भूगोल का व्याख्या इस प्रकार की है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थाई पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको इस पॉइंट को याद कर लेना है, चूँकि एग्जाम में कई बार आपका आता है कुमारी सेम्पल के अनुसार,
कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो आपको इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। यदि मान लीजिए यदि आएगा एग्जाम में फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल के दिश स्वरूपतः क्या है, वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। तो फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार पूछे तो आपको यह परिभाषा लिखना है, कुमारी सैंपल का पूछे तो आपको यह परिभाषा लिखना है। तो इसको हम समझेंगे आखिर यह क्या है, ठीक है, कि मानव जो है वो क्रियाशील है, क्रियाशील के साथ साथ अस्थाई पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब देख लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह व्यक्ति खेती करने के लिए उस व्यक्ति को क्या जरूरत पड़ेगा, तो सिंचाई के लिए नदियाँ आवश्यक है। यदि मान के चलिए कि नदियाँ सूख जाए तब वो क्या करेगा, तब वह इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान चले जाएगा जहाँ उसे उचित रूप में पानी मिल सके, जहाँ नदियाँ हों। अब नदी रहेगा तो पानी मिलेगा, ठीक है, तो पानी रहेगा तो सिंचाई करेगा जिससे वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा। तो अतः जो है कुमारी सैंपल का क्या कहना है, तो कुमारी सैंपल का कहना है कि मानव क्या है, क्रियाशील है और अस्थाई है, ठीक है। इसके बाद फ्रांसीसी विद्वान प्रोफेसर कौन, तो विडाल डी ला ब्लास, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि मानव जाति, ठीक है, मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहां के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही होता है, ठीक है, जो कि एकदम सही है। अब मान के चलिए कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से यहाँ ढेर सारा खनिज पदार्थ है, अब यहाँ जो मानव रहेगा वो जाहिर सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा विकास करेगा। यदि इस जगह, यह जो जगह है, यहाँ खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा मिट्टी है, पास में नदियाँ हैं, तो यहाँ जो मानव रहेगा वह मानव काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा। तो तरक्की कर रहा है किसके कारण, तो तरक्की कर रहा है भूगोल के ही कारण, यानी अपने वातावरण के ही कारण, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्या नोट करना है, तो वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, तो वर्तमान भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल ही है। यह क्यों है, क्योंकि इनका जो एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी था, इनका ही पुस्तक था, और इस पुस्तक में जो है, इस पुस्तक में उनका जो केंद्र बिंदु रहा वह केंद्र बिंदु मानव रहा है, ठीक है, और उस पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया गया था। यानी कि एंथ्रोपो ज्योग्राफी जो लिखे फ्रेडरिक रेटजेल वह किस पर था, तो मानव पे था, और मानव के साथ साथ वातावरण के प्रभाव पर था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।